डिफेंस वर्ल्ड के मुअज्जिन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन फाइटर तैयारी हमेशा दुश्मन तैयारों से लड़ने हैं और दुश्मन फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, मगर बाज़ औक़ात डॉग फाइट के दौरान फाइटर तैयारे गैर समंदर या बर्फ से ढके हुए पहाड़ी इलाकों के ऊपर भी चले जाते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर अगर पायलट को इजेक्शन करनी पड़ जाए तो वो कैसे समंदर वगैरह पर अपने तैयारे से इजेक्ट करेगा। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पायलट अमूमन इजेक्शन कैसे करता है और अगर समंदर पर इन्हें फौरन तैयारे से इजेक्शन करनी पड़े तो वो क्या करेंगे। इजेक्शन के लिए पायलट को किस तरह का सामान दिया जाता है जिससे वो सर्वाइव कर सके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब किसी ऑपरेशन या जंग के दौरान किसी पायलट के जहाज में कोई गड़बड़ हो जाए और तैरा क्रैश करने लगे तो पायलट फौरन इजेक्शन करता है। मिसाल के तौर पर 27 फरवरी को जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभिनंदन के MiG-21 को गिराया था तो अभिनंदन को फौरन पाकिस्तान में ही इजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई और चारा नहीं था और अगर वो इजेक्ट ना करता तो वो भी अपने MiG-21 के साथ ही खत्म हो जाता। अब ये तो थी हंगामी इजेक्शन, लेकिन अगर किसी तारे में कोई फनी खराबी वगैरह आ जाए तो पायलट फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फौरी तौर पर मुतलका स्क्वाड्रन, फायर फ्लाइट और मेडिकल स्क्वाड्रन वगैरह को अलर्ट करता है ताकि हंगामी लैंडिंग की सूरत में पायलट और जहाज को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। इसके बाद पायलट तैयारे को किसी करीबी बेस तक ले जाने की कोशिश जारी रखता है, लेकिन अगर करीब कोई बेस ना हो तो पायलट तैयारे को सहरा में ही लैंड करने से भी ग्रेस नहीं करता और बाज़ औक़ात इसी कोशिश के दौरान पायलट की जान भी चली जाती है। जैसा कि कुछ वक्त पहले पाकिस्तान फजाया के विंग कमांडर नौमान इस्लामाबाद में तैयारे को लैंडिंग करवाते करवाते शहीद हो गए। जब पायलट महसूस करे कि अब तैयारे को गिराना जरूरी हो गया है और जहाज किसी सूरत भी सेफ लैंडिंग की हालत में नहीं है तो पायलट ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से तैयारे को गिराने की इजाजत मांगता है। अब ATC में मौजूद तजुर्बा कार टीम जिनमें सीनियर पायलट भी शामिल होते हैं पायलट को जहाज गिराने और इजेक्शन की इजाजत देते हैं और अब यहाँ पायलट का एक और इम्तिहान शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाज को सेफ साइट यानी कि आबादी से दूर ले जाना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर जहाज को आबादी पर गिराया जाए तो बहुत सारे मासूम जानें भी जा सकती हैं और एक पायलट ये कभी नहीं चाहेगा कि अपनी जान को बचाने की खातिर वो मासूम शहरियों की जान ले ले। लिहाजा पायलट लाजमी तौर पर जहाज को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश करता है, चाहे इस कोशिश के दौरान पायलट की अपनी जान क्यों ना चली जाए। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि पाक फजाया के शाहीनों ने हमेशा अपने मुल्क की इज्जत और हिफाजत के लिए अपनी जानों की बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा अपने मुल्क के इसासों और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई पायलट अपनी जान बचाने के लिए अपने मुल्क के मासूम लोगों की जान ले। लिहाजा कुछ भी हो पायलट हमेशा अपने तैयारे को आबादी से दूर ही लेकर जाएगा। दोस्तों जहाज को सेफ साइड यानी कि आबादी से दूर ले जाने के बाद पायलट सबसे पहले कनोपी कवर को घिराता है, इसके बाद पायलट कॉकपिट में मौजूद इजेक्शन बटन को दबाता है। दोस्तों इजेक्शन बहुत ही खतरनाक अमल है, बटन दबाते इजेक्शन सीट के नीचे मौजूद बम ब्लास्ट होता है और इसी बम ब्लास्ट के नतीजे में पायलट कॉकपिट से आसमान की तरफ हवा में इंतहाई तेजी से उड़ जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से पायलट का अचानक ऊपर की तरफ उड़ना स्लो हो यानी इजेक्शन के दौरान पायलट की रफ्तार जहाज की रफ्तार से कम हो तो मुमकिन है कि जहाज की बैक साइड पर मौजूद इसकी दुम यानी वर्टिकल स्टेबलाइजर पायलट से टकरा कर इसके दो टुकड़े कर दे, इसलिए जरूरी है कि पायलट इंतहाई तेजी से ऊपर की जानिब उड़े। दोस्तों इजेक्शन के चंद सेकंड बाद ही पायलट की सीट के साथ लगा हुआ पैराशूट फौरन ओपन हो जाता है, जिसके बाद पायलट का आसमान से जमीन तक का सफर शुरू हो जाता है और जब तक पायलट जमीन तक पहुंचता है पायलट को कुछ मालूम नहीं होता कि पायलट ने समंदर में गिरना है या दरिया में, किसी खतरनाक जंगल में गिरना है या बर्फ पोश पहाड़ों पर या किसी तपते सूखे सहरा में गिरना है। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक बात तो ये है कि पायलट बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइनों पर भी गिर सकता है, जिसके बाद जिंदा बच पाना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों इजेक्शन सीट में गिरते हुए सर्वाइवल किट में पायलट की जरूरियात की तमाम तरशिया रख दी जाती हैं, ताकि अगर किसी वजह से रिकवरी पार्टी के पहुंचने में ताखीर हो जाए तो पायलट अपनी सिक्योरिटी और सेहत का ख्याल रख सके। दोस्तों सर्वाइवल किट में एक पिस्टल, एक फ्लेयर गन, एक पानी की बोतल, मेडिसिन, चाकू, छतरी और टॉर्च भी रखी गई है। लेकिन अगर इजेक्शन समंदर में हो जाए तो पायलट की सीट के साथ मुंसलिक बोट यानी किश्ती फौरन हवा से भर जाती है और पायलट अपने तमाम तर सामान के साथ बोट में महफूज हो जाता है। अगर इजेक्शन रात के वक्त हो जाए तो पायलट अपनी फ्लेयर गन से आसमान की तरफ फायर करता है और फ्लेयर गन की रोशनी की मदद से रिकवरी टीम पायलट को तलाश कर लेती है। दोस्तों इजेक्शन के फौरन बाद मुतलका बेस से दो हेलीकॉप्टर रवाना किए जाते हैं, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर में मेडिकल टीम SMO यानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर और देगर स्टाफ मौजूद होता है, ताकि पायलट को रिकवर करने के बाद पायलट को इब्तदाई तबी इमदाद दी जा सके।
और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इसको मिलिट्री हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सके ताकि पायलट का तफसीली मुआयना हो। जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर में सिक्योरिटी अमला मौजूद होता है जो कि तबाह होने वाले तारे के मलबे की रिकवरी और हिफाजत करता है, और इसके बाद यही टीम इस तारे के मलबे को बेस तक लेकर जाती है ताकि ठीक तरीके से इंक्वायरी की जा सके। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके नॉलेज में काफी इजाफा हुआ होगा। दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी और ISI जिंदाबाद और पाकिस्तान पैंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, और अगर आप ऐसे ही मालूमती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।